का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले दो वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार के स्रोत क्या है? आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले दो वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार के स्रोत क्या है ये वही बता सकते हैं, लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते, अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले दो वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार के स्रोत क्या है? आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले दो वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार के स्रोत क्या है ये वही बता सकते हैं, लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते, अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है
हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे।